हम लोगों ने मंदिर बनाने का काम किया, ये इसकी लड़ाई हम लोगों ने आज नहीं 50 सालों से लड़ने का काम किया। कहीं ना कहीं जहां गुलामी की जो निशानियां हमारे देश में पाए जाते थे, तो देश के प्रधानमंत्री ने उनको भी खत्म करने का काम किया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं DTW24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। इस वक्त हम मौजूद है बीजेपी कार्यालय में और हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता राकेश पोद्दार है। उनसे ही बात करेंगे कि लोकसभा का चुनाव जो है बहुत ही करीब दिखता हुआ नजर आ रहा है, जोर शोर से काम चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ देख लिया जाए तो राहुल गांधी जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे निकले। क्या लगता है कि न्याय यात्रा जो है देश का समीकरण में बदलाव ला सकता है, क्या कहिएगा? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से विशेष रूप से बताना चाहता हूं कि देश के अंदर अगर चुनाव हुआ, 65 साल देश में चुनाव हुआ, जिस चुनाव में आप देख सकते हैं कि परिवारवाद के नाम पे लोगों ने जनादेश दिया, जातिवाद के नाम पे लोगों ने जनादेश दिया, इन लोगों ने 65 साल इसी के नाम पे राजनीति की, तुष्टिकरण की राजनीति इन्होंने जो राजनीति की। मैं कहना चाहता हूं कि आप देश का जो मिजाज है, देश का मिजाज अब बदल चुका है ना। आप जो वोट बैंक है, जनादेश इन लोगों को ना तुष्टिकरण के नाम पे मिलेगा, ना जातिवाद के नाम पे मिलेगा, ना परिवारवाद के नाम पे मिलेगा, ना भ्रष्टाचार के बात पे मिलेगा। आप सिर्फ वोट मिलेगा, राष्ट्रवाद के नाम पे मिलेगा। आप एक तरफ देख सकते हैं कि देश के 7 पार्टियां 8 पार्टियां जो इंडी गठबंधन, जो उन्होंने गठबंधन जो बनाया हुआ है, घमंडिया गठबंधन, उस गठबंधन में आप देख सकते हैं कि शरद पवार लगे हुए हैं कि अपनी पुत्री को मैं मुख्यमंत्री बना दूं। आप देख सकते हैं मुलायम सिंह यादव, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव अब जिस दुनिया से चले गए, जहां भी हो उनकी आत्मा को शांति मिलना चाहिए, लेकिन उन्होंने जाते जाते अपने पुत्र को अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। आज अखिलेश यादव फिर से दोबारा मुख्यमंत्री बनने के लिए कोशिश में लगे हुए हैं। आप हमारे बिहार चले आइए, बिहार में क्या हुआ, लालू जी मुख्यमंत्री बन गए, उसके बाद उन्होंने क्या किया, राबड़ी जी को मुख्यमंत्री बना दिया, उसके बाद आते ही उन्होंने मुख्यमंत्री बनाने का काम तेजस्वी जी को कर दिया। तो कहीं ना कहीं पूरा परिवार बात से लगा हुआ है। और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद के नाम पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम लोग यही राहुल गांधी, राहुल बाबा कहते थे कि मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। राहुल बाबा को मैं आज कहना चाहता हूं कि आप तो भारत जोड़ो यात्रा या तोड़ो यात्रा में लगे हुए हैं। हम लोगों ने मंदिर बनाने का काम किया, ये इसकी लड़ाई हम लोगों ने आज नहीं 50 सालों से लड़ने का काम किया। और आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने जब राम मंदिर बनाया, तो राहुल बाबा को बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि 22 जनवरी को 2024 में तारीख भी हम लोगों ने बनाया और मंदिर भी भव्य मंदिर बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश से करने का काम किया। दूसरी बात, 370 का मुद्दा था, हमारा एजेंडा था। हम लोग कहते थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को, जहां बलिदान मुखर्जी हो कश्मीर हमारा है, उस कश्मीर को भी जीतने का काम भारतीय जनता पार्टी ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया। उसके बाद हम लोग, हमारी लड़ाई यूसीसी से की थी। आज मैंने 2 स्टेटों में यूसीसी लाने का काम कर रहे हैं, जिसमें हमारे 18 साल के कम बालिका जिनकी शादी हो जाती है, 21 साल के कम लड़कों की शादी हो जाती है, उसमें भी कानून में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं उनको भी कम से कम अपने पैर पे खड़े होने का समय मिले। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री इस पे लगे हुए हैं। हम लोगों ने काम करने के, विकसित के काम करने के, हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल किला से कहते थे कि भारत को स्वच्छ भारत बनाएंगे, तो राहुल बाबा हंसते थे, मजाक उड़ाते थे। उनका कहना था कि 12 करोड़ लोगों का शौचालय बनाने का काम हम लोग करेंगे। हम लोगों ने 12 करोड़ शौचालय बनाने का काम किया। देश के प्रधानमंत्री कहते थे कि शौचालय बनाएंगे, राहुल बाबा कहते थे, अरे हम लोगों ने 16 करोड़ शौचालय उस घर में भी बनाने का काम किया। हम लोगों ने इनका जो कार्यकाल था, इन्होंने इंदिरा आवास योजना रखा था, इंदिरा गांधी आवास योजना, हम लोगों ने उसका नाम बदल कर प्रधानमंत्री आवास योजना रखा, जिस पार्टिकुलर एक व्यक्ति के नाम से योजना को नहीं रखा गया है, प्रधानमंत्री ग्राम योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना। तो उसमें आप नहीं दर्शा सकते कि मोदी जी के नाम से है, कि पूर्व प्रधानमंत्री जी के नाम से, कि आने वाले प्रधानमंत्री जी के नाम से, उसमें कहीं दर्शा नहीं रहा है। हम लोगों ने काम किया। उसके बाद आज देश के अंदर 1935 का कानून जो लगा हुआ था UCC का, उसको बदलने का काम कर रहे हैं। हम लोगों ने नए संसद भवन बनाए थे, तो ये कहते नए संसद भवन आपने क्यों बनाया, हम लोगों ने नए संसद भवन बनाया। जब हम लोगों ने कर्तव्य पथ जो राजपथ के नाम से था, जिसका नाम किंग अटेना जॉर्ज के नाम से, उस सड़क का नाम था राजपथ पे, जहाँ पे हमारे देश का परेड होता था, उसको भी बदलने का काम हम लोगों ने किया, जिसका नाम रखा कर्तव्य पथ। तो कहीं ना कहीं जहाँ गुलामी की जो निशानियां हमारे देश में पाए जाते थे, तो देश के प्रधानमंत्री ने उनको भी खत्म करने का काम किया है।
जन विश्वास यात्रा पे तेजस्वी यादव भी निकले हैं, उधर लगातार राहुल गांधी भी न्याय यात्रा पे निकले हैं और आरजेडी के जो विधायक हैं टूट के एनडीए में शामिल हो रहे हैं, इससे क्या कुछ प्रभाव पड़ रहा है क्या? देखिए प्रभाव ईडी और सीबीआई के डर से वो लोग बुला ले रहे हैं, खरीद रहे हैं विधायकों को। देखिए चोर जो होते हैं उनको ईडी और सीबीआई डर लगता। मैं कह रहा हूँ कि देश के अंदर 5000 मामले हैं, ये 5 या 10 पॉलिटिकल मामले जो बता रहे हैं वो आज का मामला नहीं, बहुत पुराना मामला है। जिनका भी आप नाम लेना चाहते हैं, लालू जी का ले लीजिए, तेजस्वी जी का ले लीजिए, यार फलाने चाहे हेमंत सोरेन का, किसी व्यक्ति का ले लीजिए, वो पुराने मामले, नए मामले नहीं है। हम लोगों ने 5000 मामले का 2019 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उनको ऑर्डर मिला था, तब वो जाके उस पर उन्होंने निकालने का काम किया। ये हमारे साथ राकेश पोदार थे जो कि अपनी बातों को साफ तौर पे रखा। अब आप लोग इनकी बातों से कितना सहमत हैं हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।